हेलो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल पे स्वागत है, खुशामदीद और वेलकम। आज फिर हम आपके पास कुछ बातें शेयर करने आ गए। आज उन लोगों के लिए है जो न्यू यूट्यूबर हैं, जो नए नए चैनल बना रहे हैं। हम जो गलतियां कर चुके हैं, वो गलतियां आप ना करें, इसलिए उन लोगों के लिए शेयर कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। वैसे भी आजकल कुकिंग करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं होता, मन ही नहीं है कुकिंग करने का, और आशिर के पास टाइम भी नहीं है कि शूट करें। ये तो हम ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियो बना देते हैं, और आपको पता है कि थोड़ा बहुत मर्च करना आ गया है हमें। आप लोगों के हौसला अफजाई से हमें जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो मर्ज करके ऐसे ही डाल देते हैं, कोई एडिटिंग नहीं करते। कोई आपने देखा होगा, दो वीडियो हमने डाले हैं तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही मर्ज किया और आपसे बड़बड़ की मर्ज किया और डाल दिया। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा बहुत हमारा साथ दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोग आए हमारे पास, ऐसे ही सब्सक्राइबर आए जो हॉनेस्ट हो, जो हमारे साथ रहे और हमारा साथ दे, और हमारी वीडियो देखे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट्स करे, हमारे साथ बात करे। तो ऐसे लोग आए जो सिंसेयर हो, वैसे लोग आए। आप भी दुआ करें हमारे साथ ऐसे ही लोग आए, तो कम से कम हमारी हौसला अफजाई तो होगी। तो आज हमारा शेरू भी बोल रहा है, और वैसे भी कुकिंग करते हुए कितना इरिटेट होते थे, कितना शोर होता था, कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, शेरू को चुप करवाना पड़ता था। शेरू हमारा तोता है, उससे भी मिलाएंगे आपको। देखो बोल रहा है, वैसे तो बातें करता है, मगर जब इसको पता होता था ना कि हम कुकिंग कर रहे हैं, तो ये शोर मचाना शुरू कर देता था। अभी भी कुकिंग की कुछ वीडियोज है, आशिर के पास टाइम नहीं है, उसके पेपर्स हो रहे हैं, तो वो जब एडिटिंग करके देगा तो वो आपसे शेयर करेंगे। कभी मन होगा तो आपसे कुकिंग की रेसिपीज भी शेयर करेंगे। अभी तो ऐसे ही आपके साथ बड़बड़ करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। एक साथ बना रहेगा आपका और हमारा, इसीलिए हम रोज़ाना कुछ ना कुछ बात करके डाल देते हैं, वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग साथ रहिएगा हमारे इसी तरह, और लोग भी आएँ, और जो आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हॉनेस्ट लोग आए। देखो फिर शोर आने वाला है, हर 2 मिनट बाद यहाँ पे शोर आता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रद्दी पेपर वाला, कभी तेल वाला, कभी सब्जी वाला, कभी ये देखो आया, सुन रहे। और जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त वेट करना पड़ता है कि ये साइलेंट होगा तो फिर हम आपसे बात करेंगे या फिर कुकिंग चालू करेंगे, क्योंकि कुकिंग में तो रेसिपीज़ का होता है ना, तो वो इतनी देर तक वेट करते करते इतने इरिटेट हो जाते थे, और जो रेसिपीज में इंग्रेडिएंट्स होते थे वो कितना लिया, क्या क्या लिया, वो सब कुछ भूल जाते थे, और इतना अटक अटक के बोलना पड़ता था। वैसे भी हमसे कैमरे के सामने आते हैं तो इतना सोचते हैं कि ये बोलेंगे, ये करेंगे, ये शेयर करेंगे, आज अपने यूट्यूब फैमिली से ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, ये शेयर करेंगे, मगर कैमरे के सामने आते ही टाइम टाइम फिश सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं याद रहता। पर आहिस्ते आहिस्ते आएगा इंशाल्लाह, हम भी कैमरे के सामने आते आते भी थोड़ा सा, अब देखें पहले के मुकाबले में अब थोड़ा सा खुल रहे हैं, यानी पहले तो बोलते नहीं थे, अब थोड़ा सा बोलने लगे हैं। तो कैमरे के सामने और फैन बन करके बैठना पड़ता है, तो गर्मी भी बहुत है, तो पसीने बार बार आ रहे हैं, बार बार साफ करना पड़ रहा है। तो खैर है, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये भी चलेगा। जो साथ हमारे साथ है उनके लिए हमें खुशी होती है कि हम उनके साथ उनके लिए थोड़ी बहुत ऐसी गर्मी भी बर्दाश्त कर लें। तो आज हम वो कुकिंग तो कर नहीं रहे, कोई रेसिपी तो है नहीं, तो आज हमने सोचा कि बालों के लिए कुछ पैम्पर कर लें, यानी बाल सिल्की कर लें और कुछ अच्छे कर लें बाल। तो इस वजह से हम अक्सर करते रहते हैं अपने बालों की केयर,
तो अब पहले कुकिंग कर रहे थे ना, तो इसलिए छोड़ दिया था अपने बालों की केयर करना। अब इंशाल्लाह फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत पतले हो गए हैं बाल हमारे। टाइफॉइड हो गया था तो बाल गिर गए, इतने गिर गए कि अब इतनी पूंछ हो गई है। तो इसको अब हम इंशाल्लाह उसको भी ठीक करेंगे। तो वो आज हम आपसे शेयर करेंगे कि हम क्या लगाते हैं। वैसे ये कोई भी लगा सकता है, बच्चे बूढ़े किसी भी उम्र के लोग लगा सकते हैं बना के। तो मास्क बना रहे, तो चलिए आपसे भी शेयर करते हैं कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं और कैसे बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने 1.5 गिलास पानी गरम कर लिया है, और यहाँ पे 1 टीस्पून चावल और 1 टीस्पून अलसी के बीज ये डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, उस वक्त तक पकाना है जब तक ये चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, पक जाए, तो एक जेल की जैसा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हमने दही फुलके के लिए पानी गरम करके दही फुलके भी डाल दिया, और यहाँ पे हमने दही भी रेडी कर लिया है। अब ये दही फुलके बनाएंगे और फिर इसके बाद इसको छानेंगे। ये पकने वाला है तकरीबन, ये देखें। चावल भी सॉफ्ट होने वाले हैं। ये चावल सॉफ्ट और हो जाए तो इसको छान के बताते हैं कि इसमें क्या मिलाना है। ये हम छान के इसमें नाज हेयर ऑयल डाल दिया। अब आप बोलेंगे नाज हेयर ऑयल कहाँ से मिलेगा, तो अब ये मिलेगा नहीं। इसके बदले में आप जो है 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल, 1 टीस्पून आलमंड ऑयल मिक्स करके इसमें लगा लें। तो ये हम बनाते थे पहले, तो इस पे काम करना छोड़ दिया हमने। अभी सबसे सब बोल रहे हैं कि आप जो है ना ये बनाए, हम बहुत सख्त ज़रूरत है, इससे बाल बहुत अच्छे हो जाते थे। ये नुस्खा हमें आता है ये तेल बनाने का। तो ये पहले हम काम करते थे, अब छोड़ दिया, क्योंकि यूट्यूब चलाने के लिए जो है ना एक ही काम कर सकते थे एक वक्त में। हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि दो दो जगह काम करें। तो इसीलिए अब फिर से इंशाल्लाह ये भी शुरू करेंगे। सबकी रिक्वेस्ट भी आ रही है कि ये हमें बना के दो, हमारे बाल ख़राब हो रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह इस पे भी शुरू करेंगे हम। और हाँ, एक विटामिन ई कैप्सूल आता है ना, वो भी एक डाल लें इसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स करके ये बालों में लगा लें। ये देखें, हमारे बाल हैं तो लंबे मगर बहुत पतले हो गए, ऐसी हालत हो गई है इन बालों की। ये देखें, अब इसको लगा के ये देखें, रफ भी बहुत हो गए। तो अब ये लगा के आपको बताते हैं, 1 घंटा रखना है, फिर उसके बाद इसको वॉश करना है। ये देखें, पूंछ सी हो गई है। तो ये केयर करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं बाल। ये देखें, नहाने के बाद आपको बताएंगे कि बाल कितने स्मूथ सिल्की हो जाते हैं। अभी इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास इतना कैमरा नहीं है और ऐसे दिखाने का आता भी नहीं है कि अप्लाई करते हुए कैसे दिखाएंगे। तो इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर 1 घंटे बाद हेयर वॉश करके फिर आपको बाल बताते हैं कि कितने स्मूथ कितने सिल्की हो गए। ये अप्लाई कर लिया, अब कम से कम 1 घंटा, अगर ज़्यादा टाइम है तो 2 घंटे, 2 घंटे के बाद आपको वॉश करके आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कैसे सिल्की से सॉफ्ट ऐसे हो गए हैं। इतनी अच्छी बेहतरीन रेमेडी है, अगर इसको हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे तो बाल घने और लंबे भी हो जाएंगे। ये आशीर आया था तो हमने कहा कि जरा सा जो है ना वीडियो बना लो। ये देखो पीछे से भी कितने अच्छे जबरदस्त हो जाते हैं, ये देखें।
अच्छा तो फ्रेंड ये हुआ बालों का, आपको सैंपल भी बता दिया और क्या रिजल्ट है ये भी बता दिया। तो हम बता रहे थे कि जो न्यू यूट्यूबर हैं वो ये गलती कभी भी ना करें कि सब फॉर सब, यानी सब्सक्राइब के बदले में सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइबर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया, आप भी हमारा कर लें। इसमें कोई कोई ऐसा मुखलिस होता है जो हमारी वीडियो पूरी देखता है और हमारा साथ देता है, बाकी तो जो है ना वो अपना सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, ना तो देखते हैं ना पूरा फुल टाइम देखते हैं, और कभी देखते भी हैं तो सिर्फ क्लिक करते हैं, वो कमेंट्स करते हैं, चले जाते हैं, पूरी फुल वीडियो कभी नहीं देखते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो फुल वीडियो देखते हैं, आपका साथ देते हैं। तो उन लोगों को कभी आप जो है ना सब फॉर सब नहीं करवाएं। अगर वो बोलते हैं ना कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आप भी करें, तो आप ये कह देना कि आपने कर दिया, आपकी मेहरबानी, अगर नहीं कर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो उनकी वीडियो जाके देखते हैं, आप सेंसर हैं, देखते हैं पूरी वीडियो, देखते हैं उनका पूरा, हेल्प करते हैं, मगर आपका कोई नहीं कुछ करता। तो इतने कुछ कुछ सब्सक्राइब वो यूट्यूबर्स मतलबी भी बहुत होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना आप। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, उनको भी खुश रखिए, अपना भी बहुत ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड्स, एक अच्छा सा मैसेज, अच्छा सा कमेंट्स भी कर दें, लाइक शेयर भी कर दें। एक बात हमें याद आई, एक हमारा सब्सक्राइबर यानि जो हमारी YouTube फैमिली का मेंबर है, उसने कमेंट्स में यही लिख दिया कि अच्छा सा कमेंट्स। हमें इतनी खुशी हुई, इतने हंसी आई, किसी के होंठों पे मुस्कुराहट लाना भी एक सवाब है, तो यही लिख दो अच्छा सा कमेंट्स। तो इसमें भी हमें खुशी होती है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।